अस्सलामुअलैकुम। पहले तो सबका शुक्रिया अदा करूँगा, सबकी दुआओं से मेरे भाई काशिफ का बुलेट्स निकल गई हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, अभी आईसीयू में ठीक हैं। तीन गोलियां मारनी गई थी उनको मारने के लिए, एक गर्दन से यहाँ से मार के यहाँ चली गई, एक जो गोली यहाँ से मार पड़ी है और वो अटक गई थी, एक शोल्डर पे मार के निकल गई थी। तीन तीन बुलेट इंजरीज, किसने मारी है ये नहीं पता है, पर ये ज़रूर है कि जहाँ पे चीफ मिनिस्टर गोरखनाथ मंदिर में सो रहे थे उससे 500 मीटर दूरी पे ये वारदात हुई है। और दो लड़के स्कूटी से आए, उन्होंने गोली मारी और भाग भी गए। तो ये कानून की रियली स्टेट है। सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का हुआ कि जो पुलिस कप्तान थे सीओ क्राइम प्रवीण जी और वीके सिंह जो एसपी सिटी थे, उन्होंने पहले तो हमसे कहा कि मेडिको लीगल कराना ज़रूरी है, हालांकि डॉक्टर रणविजय दुबे मेडिको डीएम एमसीएच न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने सलाह दी कि इमीडिएटली बुलेट निकालना बहुत ज़रूरी है, इट्स एमरजेंसी, पर भी पुलिस एकदम बाजी की कि हमें सदर हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। हम वहाँ सदर हॉस्पिटल गए, एक घंटा लगा वहाँ मेडिकल लीगल होने में, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं अब मेडिको लीगल नहीं, अब हम मेडिकल कॉलेज का मेडिको लीगल मानेंगे, वहाँ मेडिकल बोर्ड बनेगा उसके बाद होगा। हम किसी तरह उनको लेके स्टार हॉस्पिटल भाग आए कि इमरजेंसी है, ऑपरेशन कराना है, तो उन्होंने पूरी फोर्स मंगा ली, 5-10 जीप पे पुलिस भर के आ गए और हमें ज़बरदस्ती मेडिकल कॉलेज ले आ गया, जहां मेडिकल कॉलेज में ये बताया गया कि मेडिको लीगल तो सदर हॉस्पिटल में हो चुका है, इसलिए आप लोग यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो अगर इलाज कराना है तो कहीं भी ले आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुखद काम था। एक घंटा हम लोग का, मतलब 10 बजे से लेके 3 बजे तक हम लोग का 2:30 बजे तक वेस्ट किया उन्होंने।